नाउ क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ और उसके बाद लिखा है वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि नंबर वन में देखो 26 और 91, इन दोनों का मुझे फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ। प्राइमरी लेवल में आपने पढ़ा था वही मेथड से आपको यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है। कैसे? तो सबसे पहले 26, उसका प्राइम फैक्टर क्या होगा 13 टूजा, 19 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 13 सेवनजा। अभी उसमें मुझे पहले फाइंड करना है एच सी एफ और बाद में एल सी एम, दोनों का मीनिंग क्या है। तो एच सी एफ यानी दोनों में कॉमन, दोनों में जो सेम डिजिट होगा सेम नंबर होगा वो एच सी एफ में लिखना है और एल सी एम में जितना भी है सब साथ में यहाँ पे डाल देना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। लेकिन कैसे लिखेंगे तो मेथड ध्यान रखना, पहले एच सी एफ लिखते हैं, दोनों में कॉमन क्या है 13, दोनों में कॉमन 13 है लेकिन दोनों की पावर भी इक्वल है। सपोज यहाँ पे 13 की 1 पावर और यहाँ पे भी 13 की 1 पावर, अगर यहाँ पे पावर अलग अलग होती तो छोटी पावर एच सी एफ में लिखनी है और बड़ी पावर एल सी एम में लिखनी है। ध्यान रखना अगर दोनों में सेम नंबर है और अगर पावर अलग अलग है, सपोज यहाँ पे 13 की 1 पावर 13 की 2 पावर, तो 1 पावर वाला टर्म एच सी एफ में आएगा और 2 पावर वाला टर्म एल सी एम में आएगा। अभी तो दोनों सेम है तो इसका मतलब एच सी एफ में भी 13 लिखना है और एल सी एम में भी आपको 13 ही लिखना है, यानी कि अभी आपका 13 का काम फिनिश हो गया, उसके सामने देखना ही नहीं है। और कुछ भी इक्वल है नहीं, और कुछ भी डिजिट इक्वल है नहीं, तो जो भी ये सिंगल है, ये 2 सिंगल है 7 सिंगल है, वो आपको डाल देना है एल सी एम में। क्लियर? तो एच सी एफ आपका हो गया 13 और एल सी एम 13 इंटू 2 इंटू 7, यानी तीनों का मल्टीपल आपका होगा 182, ये हो गया एल सी एम। अभी वेरीफाई करना है, वेरीफाई में लेफ्ट साइड क्या दिया है एल सी एम इंटू एच सी एफ, देखो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड एल सी एम इंटू एच सी एफ, एल सी एम की जगह पे क्या लिखना है 182 और एच सी एफ की जगह पे 13, दोनों का मल्टीपल कितना होगा 2366। चलो राइट साइड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर एच एस, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि 26 और 91 दोनों का मल्टीपल कितना होगा 2366, दोनों के आंसर इक्वल हो गए तो हम लिखेंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये अपना वेरीफाई हो गया। वेरीफाई के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है। क्लियर? आगे क्वेश्चन नंबर टू, 51092। चलो 510 के फैक्टर निकालते हैं, आगे क्या था वही मेथड 510 के फैक्टर 2 2 2 5 2 5 5 5 5 1 3 17 and 17 1, आपको जिस तरह ठीक लगे उस तरह आप कर सकते हो 2 3 5 17, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 3 5 17। उसके बाद 92 का फैक्टर निकालते हैं 2 4 2 6 2 2 2 3 23 1, तो यहाँ पे 2 2 times है यानी 2 square into 23 चलो अभी ध्यान रखना वापस एच सी एफ एल सी एम, ऊपर समझाया था वही मेथड, सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या है 2 2 का स्क्वायर दिख रहा है, दोनों में कॉमन 2 है लेकिन इस बार देखो पावर इक्वल नहीं है, यहाँ पे 2 की 1 पावर कहलाएगी और यहाँ पे 2 की 2 पावर। तो समझाया था मैंने जो छोटी पावर वाला टर्म है वो एच सी एफ में आएगा, बड़ी पावर वाला टर्म एल सी एम में आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। और कोई डिजिट इक्वल है नो, बाकी सब सिंगल है, तो जितने भी सिंगल है वो सब के सब आपको लिखने हैं एल सी एम में 3 5 17 and 23 दिखा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 into 5 into 17 into 23, इन सभी का मल्टीपल करोगे तो आपका आंसर इतना आएगा 23,460। क्लियर? अभी आपको एल एच एस आर एच एस करना है, एल एच एस यानी एल सी एम और एच सी एफ दोनों का मल्टीपल, एच सी एफ की वैल्यू 2 एल सी एम की वैल्यू 23,460, दोनों का मल्टीपल करोगे तो 46920 मिलेगा। उसी तरह राइट हैंड साइड यानी दोनों नंबर का मल्टीपल करो, 51092 इन दोनों का मल्टीपल भी कितना होगा 46920, दोनों आंसर इक्वल, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। क्लियर? सेम मेथड क्वेश्चन नंबर थ्री,
336 and 54. चलो 336 का फैक्टर निकालो, 336 2 से डिवाइड करो, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 2 4 2 4 2 2 2 1 2 2 1 3 7 and 7 1. यहाँ पे 2 कितनी बार आया, 4 टाइम्स, 3 and 2 7. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की 4 पावर इंटू 3 into 7, 54. तो 54 का फैक्टर निकालते हैं, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 वन जा, 3 कितनी बार आया, 3 टाइम्स. तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 3 की 3 पावर. चलो वापस HCF और LCM दोनों में सेम क्या है, 2 की 4 पावर, 2 की 1 पावर. तो छोटी पावर HCF में लिखनी है और बड़ी पावर LCM में. इस बार 3 भी इक्वल है दोनों में, 3 3, तो 3 की 1 पावर HCF में और 3 की 3 पावर LCM में. अभी सिंगल क्या है, सिंगल ओनली 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7. हो गया 2 3 6, और यहाँ पे 2 की 4 पावर 16, 3 की 3 पावर 27, 16, 27 और 7 तीनों का मल्टीपल 3024. चलो अभी वेरीफाई करने के लिए LHS, LCM इंटू HCF, LCM कितना है 3024 और HCF कितना है 6, दोनों का मल्टीपल आपको इतना मिलेगा 18144. और RHS यानी दोनों का मल्टीपल भी इतना ही हो रहा है, दोनों आंसर इक्वल, LHS इज इक्वल टू RHS. ये जो 3 सम करवाए उसी मेथड के मैंने 2 सम आपको होमवर्क में दिए, वो आपको सॉल्व करने हैं.